हेलो बच्चों, जो हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रहा है उसकी सेकंड जो लेक्चर है बच्चों, ठीक है। आज उसमें हम लोग स्टडी करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। होप सो फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने अच्छे से देखी होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की। मैंने मैक्सिमम बेसिक्स आप लोगों को कंप्लीट कराए थे उसमें। नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ से भी काफ़ी पॉसिबिलिटीज होती है क्वेश्चंस आने की। किस तरह का क्वेश्चंस आते हैं वो देखते हैं। वैसे तो यहाँ पर बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन आएगा, फिर भी एक बार छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो हम लोग स्टडी करते हैं। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप लोगों ने टेंथ में भी पढ़ा है, दैट्स व्हाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो हमारा जो सिंपल सा टॉपिक है आपका आज का वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हमें एक छोटी छोटी बातें बता देता हूँ आप लोगों को। पॉलिनोमियल के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले कि पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है और क्या क्या उसकी कंडीशंस है, ठीक है। देखो बच्चों, अगर मैं पॉलिनोमियल फंक्शंस की बात करूं, कोई भी इस तरह की इक्वेशंस प्रॉपर फॉर्म में लिख रहा हूं, जैसे कि आप लोगों ने देखा 3 + 4x² - 7x + 8, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शंस है। अच्छा, एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि -3x² + 7x + 8, क्या ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है अभी या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन है या नहीं है? नहीं है, बिकॉज पॉलिनोमियल फंक्शंस की एक सिंपल सी कंडीशन ये होती है कि जो पावर है वो मस्ट बी आ इन होल नंबर, या मैं बोल सकता हूँ नेचुरल नंबर कॉन्स्टेंट इंक्लूड करके, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शंस नहीं है। आपको पता है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शंस है उसमें दो चीज़ें हम लोग मेन देखते हैं, एक डिग्री सबसे पहले, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसकी बात करेंगे डिग्री के बाद कि उसके रूट्स जीरोस। देखो आप लोग को पता ही है चीज, डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, जितनी हाईएस्ट पावर होंगी, ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होंगे, मे बी रियल और नॉट। मीन्स ऐसा हो सकता है कि रूट्स रियल ना हो, ठीक है। मीन्स जैसे कि ये है, इसकी अगर मैं बात करूंगा, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग के पास हाईएस्ट डिग्री, मीन्स अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूँ तो आप कहोगे डिग्री इज 3, तो जो इसके नंबर ऑफ रूट्स होंगे, ठीक है, वो भी कितने होंगे? 3 होंगे, मे बी रियल और नॉट। बार बार बोल रहा हूँ मैं, रियल भी हो सकते हैं और नॉन रियल भी हो सकते हैं। तो ये सिंपल सी कंडीशन होती है पॉलिनोमियल की। अब इसी में अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे आप लोगों ने लीनियर इक्वेशंस देखी, ठीक है, या लीनियर पॉलिनोमियल की बात करोगे आप लोग, लाइक दिस ax + by, तो इसके आप लोग को पता है कि एक रूट्स होगा, मीन्स ओनली एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जो इसे सेटिस्फाई करेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, जो आज का हमारा टॉपिक है स्टडी करेंगे, इसके आप लोग को पता है कि इसकी डिग्री 2 होगी और इसके नंबर ऑफ रूट्स भी 2 होंगे। इसी तरह आप लोग के पास, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशंस बोलते हैं, दिस वन इज क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। इसके नंबर ऑफ, अगर आप इसकी डिग्री की बात करोगे तो डिग्री आप लोगों ने देखा कि 3 है, तो नंबर ऑफ रूट्स भी कितने होंगे, रूट्स जीरोस, सॉल्यूशन बात एक ही है 3। अगर इसके बाद हम लोग इसकी बात करेंगे तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जो 4 डिग्री का होता है, नेम इसका क्या होता है बताओ जरा, नेम इसका होता है बाई क्वाड्रेटिक। डिग्रीज की अगर बात करोगे 4 की और नंबर ऑफ रूट्स भी 4 होंगे, ये आप लोग के पास सिंपल सी कंडीशंस होगी, ठीक है। देखो वैसे तो अगर आप लोग कहो कि कैसे भी पॉलिनोमियल की क्या हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है, या वैल्यूज ऑफ एक्स निकाल सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो हम इजीली निकाल सकते हैं किसी के भी, क्यूबिक में थोड़ा सा हमें छोटी सी प्रॉब्लम आती है, वहाँ पर हम लोग हिट एंड ट्राई से करते हैं। बाई क्वाड्रेटिक होगी थोड़ा सा और टफ होगा, ठीक है, उसके बाद आगे चलोगे थोड़ी सी और प्रॉब्लम आएगी। बट अगर छोटी मोटी ट्रेसिंग हम देखना चाहें रूट्स की, कि चलो ठीक है हम ये नहीं बता सकते कि रूट्स है, तो क्या हम लोग कुछ और भी बता सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के बारे में, तो एक दो छोटी छोटी कंडीशंस देख लेते हैं हम लोग कि हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में क्या क्या बता सकते हैं। देखो पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग, अगर मैं कोई भी आप लोग को कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शंस दूं या कोई भी इक्वेशंस दी, लेट करो मैंने कहा कि 3x⁴ - 4x³ + 7x + 8, ये है, ज़्यादा कुछ नहीं, छोटी मोटी चीज़ें बता सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। अगर कभी ये हमें चेक करना है कि किन्हीं दो नंबर के बिटवीन किसी पॉलिनोमियल के कितने रूट्स लाई करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा परफेक्ट हम लोग वो नहीं कर सकते, बट हाँ थोड़ा बहुत हम लोग कुछ आइडिया लगा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई भी आप लोग अगर देखोगे, जैसे कि ये है, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल है और इसके नंबर ऑफ रूट्स की बात करूँ, अगर कोई दो नंबर लेट करो k1 से बड़ा k2, ठीक है, और अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसके कितने रूट्स इसके बिटवीन लाई करते हैं, तो एक छोटा सा आइडिया दे सकते हैं एनी पॉलिनोमियल के लिए, किसी भी पॉलिनोमियल के, आप लोग क्या करो,
कि इसकी वैल्यू निकालो k1 पर और इसकी वैल्यू निकालो k2 पर, ठीक है, और वो दोनों वैल्यू k1 k2 की ऐसे प्रोडक्ट करके देखो, दो कंडीशंस आएगी ना, या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा। इसका मतलब क्या, अगर मैं ग्राफिकली बात करूं, देखो छोटी छोटी सी बातें हम लोग कर लेते हैं, नंबर ऑफ जीरोस रूट्स का मतलब आप लोग को पता है कि कितने टाइम्स वो एक्स एक्सिस को कट करके गया है, ठीक है ना, ये सिंपल सी कंडीशंस होती है। कोई भी ग्राफ कितनी बार लेफ्ट करो, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रियल रूट हैं तो आपको पता है कि दो बार करेगा। अगर कोई इसकी जगह मैं क्यूबिक ले लूँ, लेट करो, ठीक है, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन ली, अगर रियल रूट है तीनों तो वो इस तरह मतलब कैसे भी कर सकता है, वो थ्री टाइम्स कट करके जाएगा, तो एक्स एक्सिस को जितनी भी बार कट करके जाएगा उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होंगे या जीरोज होंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा इसकी बात कर लेते हैं, इसमें हुआ क्या है, इसमें इस फंक्शन में अगर आप लोगों ने k1 रखा है और k2 रखा है तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। पॉजिटिव कब आया होगा, या तो ये भी पॉजिटिव, मींस एक कंडीशन ये है कि बोथ आर पॉजिटिव, या एक कंडीशन ये है कि ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तब आया होगा। तो अब ध्यान से समझो, इसका मतलब अगर मैं ये लेट करूं कि दिस वन इज k1 एंड दिस वन इज k2, तो दोनों पॉजिटिव का मतलब क्या है कि यहां पर ऊपर कहीं वैल्यू होगी और यहां पर भी वैल्यू क्या होगी, कहीं ऊपर ही होगी, तभी पॉजिटिव हो सकता है। तो उस कंडीशन में एक ये भी हो सकता है, भाई ये तो कट ही नहीं करके आया, मींस नंबर ऑफ रूट्स क्या हो सकते हैं बेटा, जीरो हो सकते हैं। फिर आप ये कह सकते हो कि सर ऐसा भी तो हो सकता था ना कि दो बार कट करके आ गया होगा, दो रूट्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। इससे अलग और भी पॉसिबिलिटीज हैं, और दूसरी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो ऐसे हो सकती है ना कि भाई कोई नंबर, कोई भी रूट्स ऐसे गया होगा ऊपर, फिर नीचे आ गया होगा, फिर ऊपर गया होगा, फिर ऊपर। अब देखो एक दो तीन चार, ठीक है, इसी तरह सिक्स अप टू एंड सो ऑन, मींस किन्हीं भी दो नंबर के बिटवीन अगर ऐसे कोई कंडीशन आई तो उसके बिटवीन कितने रियल रूट्स हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, चार, मींस इवन नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है। अच्छा ये मैंने ऊपर बनाया, अगर दोनों नेगेटिव होती तो ऐसे बन जाता, ठीक है बच्चों। अच्छा अगर होता लेट करो नेगेटिव दोनों का प्रोडक्ट, तो इसका मतलब बताओ जरा क्या है, इसका मतलब ये है ना कि एक जगह पॉजिटिव होगा और दूसरी जगह नेगेटिव, मींस एफ के वन पर जो उसकी वैल्यू होगी, लेट किया मैंने कि नेगेटिव है चलो, ठीक है, और के टू पर उसकी वैल्यू है पॉजिटिव। अब क्या रहा होगा, एक बार तो ऐसा गया होगा ना, सीधा ही चले गया होगा ऊपर। अब आपने देखा कि सर एक चीज तो कन्फर्म है कि ये अगर ऊपर गया तो एक्स एक्सिस को एक बार तो कट करके गया, मींस मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स वन भी हो सकते हैं, या ऐसा भी तो हो सकता था ना कि यहां से गया पहले ऐसे, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे चले गया, तो इस केस में कितने हुए, एक दो तीन, मींस तीन रूट्स भी हो सकते हैं। अच्छा और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, और पॉसिबिलिटीज मतलब एक दो तीन, ये मींस अब इस केस में देखो एक दो तीन चार पांच रूट्स, तो इसमें फाइव, तो इसमें आप लोगों ने देखा कि जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो क्या होंगे, ओड होंगे। तो हम लोग थोड़ा सा इतना आइडिया लगा सकते हैं कि जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे बिटवीन एनी टू नंबर्स, ठीक है, कि भैया अगर प्रोडक्ट उनका पॉजिटिव आ रहा है तो रूट्स जो होंगे इवन होंगे, मीन जीरो रियल रूट भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, चार। बट इसमें एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट कंडीशन आपके हाथ लग गई, क्या, कि अगर वो नेगेटिव है तो इतना तो कन्फर्म है कि एटलीस्ट वन रियल रूट लाई बिटवीन दीज टू नंबर्स, ठीक है भाई बच्चों, ओके। अच्छा इसके बाद हम लोग और भी चीजें जान सकते हैं, अगर आप लोग एटमोस्ट, बार बार मैं एक वर्ड यूज करूंगा, एटमोस्ट कितने रियल रूट, कितने पॉजिटिव रियल रूट और एटमीस्ट कितने नेगेटिव रियल रूट चेक करने हैं, तो इसका भी एक छोटा सा पैटर्न मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो कुछ नहीं करना आप लोगों ने, आपने इसके ना जो साइन है ना वो सारे यहां पर लिखना है, ये पॉजिटिव है ना पहले का कॉन्स्टेंट, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, आपने ये देखना है नंबर ऑफ चेंज इन साइन, आपने ये देखना है कि साइन में चेंजेस कितना है। देखो जरा एक चेंजेस आया साइन में, प्लस से नेगेटिव और नेगेटिव से प्लस, यहां पर तो कोई चेंजेस नहीं है ना, दो, तो इसका मतलब ये होता है, इसके अगर मैं मतलब की बताऊं कि एट मोस्ट, मैं ये वर्ड बार बार लिख रहा हूं आपके सामने, एट मोस्ट टू रियल पॉजिटिव रूट्स, इसके ज्यादा से ज्यादा, मैंने ये नहीं बोला कितने रूट्स है, मैंने बोला मैक्सिमम इसके दो रियल पॉजिटिव रूट्स होंगे बस। अब आप कहोगे कि सर अगर नेगेटिव कितने होंगे वो भी देख लेते हैं, कुछ नहीं, सेक्स को रिप्लेस कर दोगे अगर आप माइनस एक्स से, ये लो, ठीक है बच्चों। अब पहली बात तो साइन चेंज करोगे, ये चार पावर, ये माइनस का प्लस, ठीक है, ये आप लोग के पास माइनस,
और ये अगेन प्लस, तो आप फिर दोबारा देखो इसका साइन पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अगेन कितने चेंजेस इन साइन, टू चेंज, तो एट मोस्ट टू रियल नेगेटिव रूट्स। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है, इससे आप लोग थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो, ठीक है, कि कितने पॉजिटिव रूट्स होंगे कितने। हाँ, इससे एक अच्छा रिजल्ट ये आएगा, जैसे पहली वाली कंडीशन से ये रिजल्ट आया था ना कि एटलीस्ट वन रियल रूट लाई बिटवीन टू नंबर्स, अगर हमें चेक करना है तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यहाँ से एक कंडीशन ये आ सकती है, देखो जरा, अगर मैंने कोई इक्वेशंस ली जिसके जो कॉन्स्टेंट है वो सारे पॉजिटिव है या सारे नेगेटिव है लाइक दिस, और जो उसकी पावर्स हैं वो सारी इवन पावर है लाइक 4 एक्स की पावर 4 प्लस 2 या 3 एक्स की पावर 2 प्लस 1। मैंने अभी कॉन्स्टेंट लगाया, अगर कॉन्स्टेंट ही लगाता तो एक एक्स तो बाहर आ जाता, डायरेक्ट एक रूट जीरो हो जाता। अब इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, देखो, तो मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसके सभी कॉन्स्टेंट या तो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं और जो उसकी पावर्स हैं वो अगर इवन है, तो देखो जरा क्या क्या चेंजेस आएगा। देखो, अगर आप डायरेक्ट साइन देखोगे तो नो चेंज इन साइन, तो इसका मतलब आप कहोगे कि सर इसका कोई भी रियल पॉजिटिव रूट्स नहीं है। ठीक है, आप कहोगे सर एक्स को रिप्लेस करके देखते हैं माइनस एक्स से, देख लो अभी भी सेम रहेगा बिकॉज पावर क्या है, इवन है। ठीक है, तो यहाँ से एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट कंडीशन हमारे हाथ लग गई कि इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ साइन में। ठीक है, मीन्स इस तरह की इक्वेशंस के नो रियल रूट्स, इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, ना तो पॉजिटिव रियल रूट ना ही नेगेटिव, इसका मतलब कोई भी रियल रूट्स नहीं है। ओके, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है बच्चों, चलो अब हम लोग चलते हैं अपनी इक्वेशंस पर, क्वाड्रेटिक से स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, आप लोग को पता होनी चाहिए क्वाड्रेटिक के बारे में, क्वाड्रेटिक आप लोगों ने पहले भी पढ़े हैं, लास्ट में हम लोग थोड़ा सा क्यूबिक को भी देखेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो कंडीशंस है हमारे पास वो कुछ ऐसी कंडीशंस होती है, अगर प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं, देखो पहली बात छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पता है पोर्शन क्या होता है, जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं उसका पूरा बायोडाटा, मीन्स उसमें क्या दे रखा है और क्या क्या कंडीशन है वो सब कुछ है। अगर मैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बोलूं तो भाई इसके टू रूट्स होंगे ना, मे बी रियल और नॉट्स, अभी उसकी बात नहीं करेंगे, लेट करो कि अल्फा और बीटा है, तो क्या क्या चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अल्फा बीटा रूट है। तो पहली बात तो ये कि अगर मैं अल्फा रखूंगा तो जीरो, मतलब अगर यहाँ पर अल्फा रखोगे तो एक कंडीशन तो ये आपको पता चल गई। ठीक है, दूसरी आपको पता है कि ये बीटा पर भी जीरो होगा, मीन्स मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी, पहली बार। ठीक है, मीन्स ये कंडीशंस होगी इसकी। दूसरी कंडीशंस इसकी अगर मैं रूट्स की बात करूंगा, मैं ए को कॉमन ले लूं, एफ एक्स को ए को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर जो भी क्वाड्रेटिक वो कुछ ऐसा बनाएगी, है ना भाई, कॉन्स्टेंट हटा लिया ये दो रूट्स, देखो प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन है, दैट्स व्हाई ए को बाहर लिया, ये कंफर्म होगा। तीसरी बात, आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हो, अगर मैं ए को बाहर ले लूं तो मैं इसे ये लिख सकता हूं ना कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। जैसे ही कोई अगर किसी के रूट्स पता है तो हमें ये भी पता है कि वो इसकी इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करेंगे, वो इस तरह भी फैक्टर बनाएंगे, वो ऐसे भी फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये रूट्स निकालते कैसे हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। स्टार्टिंग से ही आप लोग पढ़ते हो कि दो रूट्स जो होंगे इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू टाइम्स ऑफ ए। कोई बच्चा, आई थिंक, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे ये फॉर्मूला ना आता हो या इसका प्रूफ ना आता हो। ठीक है, चलो अब रूट्स तो आ गए, अब इनके नेचर्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है, क्योंकि मुझे जानना है कि नेचर क्या है इनका, नेचर मतलब ये दोनों रूट्स रियल हैं नॉन रियल हैं जीरो, मतलब जो भी है इक्वल है कैसे हैं, तो देखते हैं। ये डिपेंड करता है, सभी बच्चों को पता है डी इज डिस्क्रिमिनेट बी माइनस फोर ए सी, आप लोग को पहली कंडीशन पता होती है कि अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो बोथ रूट्स रियल एंड डिफरेंट, आप लोग को पता है कि अगर डी इक्वल्स टू जीरो तो बोथ रूट्स रियल एंड इक्वल, आपको ये भी पता है कि अगर ये लेस देन जीरो होगा तो नॉन रियल रूट्स, या हम लोग इनकी जगह बोल सकते हैं इमेजिनरी रूट्स,
ठीक है, बिकॉज आपको पता है कि अगर ये नेगेटिव हुआ रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, और नेगेटिव वैल्यू तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इमेजिनरी रूट, ठीक है, पहली कंडीशंस। दूसरी कंडीशंस, ठीक है, ये अब हम लोग कंडीशंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, छोटी छोटी कंडीशंस है, ठीक है, कि दोनों रूट्स इक्वल क्या होंगे, कब होंगे, ठीक है, तो वही हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे। इफ बोथ रूट्स आर इक्वल, तो बोथ रूट्स इक्वल होंगे व्हेन डी इक्वल्स टू जीरो, सीधी सी कंडीशन। या इसकी जगह एक वर्ड और आता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब ये होता है कि उसके दोनों रूट्स इक्वल होंगे, ठीक है। या इसकी जगह मैं बोल दूं, ये इंपॉर्टेंट है, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समझते हो, कुछ ऐसा बनेगा कि लाइक ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा बोला है मैंने जस्ट, ठीक है, तो भैया क्या कंडीशंस होती है, डी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। और अगर मैं रूट्स की बात करूंगा ना, तो इसमें रूट्स भी क्या होंगे बताओ जरा, देखो अगर ये जीरो हो गया तो रूट्स क्या बनेंगे, दोनों रूट्स माइनस बी बाई टू टाइम्स ऑफ ए, डायरेक्ट आप याद कर सकते हो दूसरी कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर मैं ये बोल दूं कि डी लेस देन जीरो है और जो इसके ए बी सी हैं वो सारे रियल हैं, ठीक है, तो रूट्स हमेशा कॉम्प्लेक्स पेयर रूट होंगे, कॉम्प्लेक्स पेयर में होंगे रूट्स। मतलब एक अगर ऐसे ही लेट किया मैंने कि लेट करो कि एक अल्फा, अल्फा तो चलो पहले लेट किया है, कुछ और लेट कर लेते हैं, एक पी प्लस आइटा क्यू होगा, तो अदर इज फिक्स है ये, अदर क्या होगा बेटा आपके पास, माइनस होगा, बिकॉज अगर कॉम्प्लेक्स है तो ये आयटा देगा, तो बीच में क्या डिफरेंस आएगा, अब आपको पता है कि बी तो रियल है, रियल कॉम्प्लेक्स के साथ मिक्स नहीं हो सकता, तो कंडीशंस क्या होगी, बस बीच में प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। मीन्स अगर मैं बोलूं, ठीक है, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल कोएफिशिएंट, ठीक है, एंड डी रियल कोएफिशिएंट बोल दिए, एंड वन रूट इज टू माइनस थ्री आइटा, बस इतना दिया, इक्वेशन निकालनी है, तो अदर रूट आप लोग को पता है कि सर एक रूट अगर टू माइनस थ्री आइटा है तो दूसरा रूट क्या होगा, टू प्लस थ्री आइटा, ये सिंपल सी कंडीशंस, कोई दिक्कत इस केस में, ठीक है। अब बात करते हैं रैशनल रूट्स क्या आते हैं, कब आते हैं, इसी कंडीशंस में मैं छोटी सी कंडीशंस और ऐड कर दूं, अगर मैं बोलूं, ठीक है, d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर और जीरो और नेगेटिव, मींस अगर जो d है ये डिस्क्रिमिनेट, अगर ये जीरो भी नहीं हुआ बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं हुआ और ये नेगेटिव भी, आपको पता है नेगेटिव में तो ये कंडीशंस आ जाती है, ठीक है, और a b c को मैंने बोल दिया रैशनल है, ठीक है, जो रूट्स होंगे वो इरेशनल पेयर, रैशनल और इरेशनल पेयर की फॉर्म में होंगे, लेट करो इस तरह होंगे, एक रूट ये होगा तो दूसरा कंफर्म है ये होगा, कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है। ये तो हम लोगों ने इसके रूट्स के बारे में जाना कि रूट्स की क्या क्या कंडीशंस होती है। अब हम लोग देखते हैं, पहले में हम लोगों ने क्या देखा, रूट कैसे निकालते हैं, उनके बेस पर, डी के बेस पर क्या क्या बता सकते हैं। दूसरी कंडीशंस रिवर्स, अगर मैं आपको रूट्स दे दूं तो इक्वेशंस कैसे निकालेंगे। अच्छा, इस वाले कंडीशंस में मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट पॉलीनोमियल फंक्शंस के बारे में बताऊंगा थोड़ी सी डिटेल, ठीक है। लेट करो आपके पास क्वाड्रेटिक है और उसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक है, पहला कंडीशंस, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है जिसके रूट अल्फा एंड बीटा है, दो रूट है, क्वाड्रेटिक होगी तो इक्वेशंस को आप ऐसे लिख सकते हो, सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक कंडीशन ये। या दूसरी कंडीशन बच्चों, अच्छा जीरो लगा रखा है दैट्स व्हाई इधर कांस्टेंट नहीं लिया, या दूसरा ऐसे भी लिख सकता हूं ना मैं, इसी तरह बच्चों दूसरी कंडीशन अगर होती, अगर जो रूट्स होते, तीन रूट्स होते अल्फा बीटा गामा, कैसे भी रूट्स हो सकते हैं, तो अब क्यूबिक बनेगी, तो क्यूबिक में ही देखो यहां पर आता है सम ऑफ रूट्स, ठीक है, लाइक अल्फा बीटा गामा, और फिर देखो एक पावर कम होती जाएगी, आपको पता है तीन रूट्स है, हाईएस्ट पावर थ्री होंगी, फिर एक पावर कम हो जाएगी मतलब टू, फिर देखो ये साइन भी प्लस माइनस ऐसे चलते जाते हैं, अगला प्लस होगा, अब टेकन टू एट अ टाइम बोलते हैं हम लोग इन्हें, टेकन टू एट टाइम मीन्स दो दो के प्रोडक्ट का सम, एक पावर और कम प्लस है तो अगला माइनस, और अब तीनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू जीरो, या इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा इक्वल्स टू जीरो। अगर मेरे पास कंडीशंस होती चार रूट, लाइक
चार रूट अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, अल्फा फोर। तो इक्वेशन सब चार डिग्री की होती माइनस, अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ सम ऑफ रूट्स इन टू एक्स क्यूब प्लस प्रोडक्ट ऑफ मतलब टेकन टू एट अ टाइम लाइक अल्फा वन अल्फा टू, इनका सम हम लोग कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर देखो प्लस माइनस प्लस नेक्स्ट क्या होगा माइनस व्हेन टेकन थ्री एट अ टाइम, ठीक है, और लास्ट में चारों का प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। ये सिंपल सी कंडीशंस है आप लोग के पास। अच्छा इसकी जगह अगर मैं दूसरा फॉर्म लिखता तो वो इस तरह की भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है बेटा सम टाइम अच्छा सा, ठीक है। लाइक एक चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, वैसे टाइम नहीं हमारे पास। लाइक मैंने बोला x माइनस वन, x माइनस टू अप टू x माइनस 50, और मैं चाहता हूँ फाइंड द कोफिशियंट ऑफ x की पावर 49। अब आप लोग सोचो कि सर x की पावर 49 का कैसे निकालेंगे, तो बड़ी लेंथी होगी, बट यहाँ से समझो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ और इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये देखो ये जीरो रखोगे रूट वन, ये जीरो रखोगे टू थ्री फोर फाइव अप टू 50 रूट्स हैं, 50 रूट्स है तो पॉलीनोमियल की डिग्री भी कितनी होगी 50। नेक्स्ट में क्या होता है बच्चों सम ऑफ रूट्स, तो इसके यही तो रूट्स हैं पता है आप लोग को, और यहाँ पर आएगा x की पावर 49 अप टू एंड सोन। अब आप लोग को कोफिशियंट किसके चाहिए x की पावर 49 का, तो x की पावर 49 का कोफिशियंट ये रहा आपके पास, क्या होगा कोफिशियंट माइनस, ठीक है, 1 अप टू 50, और स्टार्टिंग के नेचुरल नंबर का सम 50 इंटू 51 डिवाइड बाई 2 आंसर। कोई दिक्कत, डन, समझ में आ गया। अच्छा अप टू एंड सोन लिख रहा हूँ मैं, अप टू एंड सोन चलता रहेगा, मैंने आपको क्वाड्रेटिक क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक कराई, आगे सेम प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं। तो ये हमारे पास रिलेशंस बिटवीन, ठीक है, अब यहाँ तक कंडीशंस थी कि अगर रूट्स, अगर इक्वेशंस के रूट्स निकालने हैं उनसे क्या क्या नेचर जान सकते हैं वो मैंने आप लोग को बताया, रूट्स देके इक्वेशंस कैसे निकालते हैं वो मैंने आप लोग को बताया। थर्ड कंडीशंस में हम लोग देखते हैं रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। अगर मैं बात करूंगा तो जैसे अभी अभी लिखा उसी से रिवर्स लिख सकते हैं, अगर मैं बोलूँ सम ऑफ रूट्स तो माइनस बी बाई ए प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, देखो बी बाई ए सी बाई ए प्लस माइनस अगर क्यूबिक होती तो क्या होता बोलो जरा भाई, पढ़ी होगी आप लोगों ने, तो जो सम ऑफ रूट्स होगा बच्चों वो क्या होगा माइनस बी बाई ए सेम कंडीशन, उसके बाद सी बाई ए और माइनस डी बाई ए प्लस माइनस टेकन टू एट अ टाइम अल्फा बीटा कितना होगा बताओ, सी बाई ए टेकन थ्री एट अ टाइम मीन्स अल्फा बीटा गामा वैसे इनका प्रोडक्ट ही आएगा वो आएगा माइनस डी बाई ए। इसी तरह अगर आप लोग कहोगे कि सर अगर चार डिग्री की होती, ठीक है बच्चों, मीन्स चार डिग्री की इस तरह की इक्वेशंस अगर आप लोग के पास है तो अब आप लोग क्या कर सकते हो, जो सम ऑफ रूट्स होगा मीन्स डायरेक्ट लिख देता हूँ अल्फा वो क्या होगा अगेन माइनस बी बाई ए टेकन टू एट अ टाइम बोलो क्या होगा सी बाई ए टेकन थ्री एट अ टाइम क्या होगा माइनस डी बाई ए और अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर इक्वल्स टू सी बाई ए, ओके। ये इनकी रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स की कंडीशंस है जो आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट कंडीशंस में हमारे पास यहाँ से आएगा बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर उठा के देखो कंडीशंस अप्लाई करते हैं। अच्छा मैं रूट्स के या सॉल्यूशंस के बारे में एक बात बता देता हूँ, देखो अगर कोई फंक्शन ऐसे है ना मैंने ऐसे ही लेट किया है तो रूट्स और सॉल्यूशन के बाद जहां पर ये दोनों इक्वल हो जाए उन वैल्यू को हम लोग इनके रूट्स और सॉल्यूशंस बोलते हैं। मतलब समटाइम इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग के पास आ जाते हैं कि लेट करो जैसे कि नीचे भी एक क्वाड्रेटिक है ऐसे ही लिए है मैंने, जस्ट सही क्वेश्चन नहीं बस समझाने के लिए, वैसे ही जस्ट कुछ भी आप लोग ले सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पर लिया 5 ये 6 इधर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस यहाँ पर भी कोई कंडीशंस ले लेते हैं, ठीक है लेट करो कि भाई कुछ भी ले लो 3 ले लिया ऐसे ही लिया जस्ट, और ये इक्वल टू 1 है। तो अब आपको ये कंडीशन देखनी है कि ये 1 के इक्वल कब हो सकता है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है कि कोई चीज़ 1 के इक्वल कब होगी, जब पावर 0 हो जाए या ये 1 हो जाए या ये माइनस 1 हो जाए तो भी चलेगा, बट अगर नीचे माइनस 1 है तो x की उसी वैल्यू पर ऊपर वाला जो फंक्शन है वो क्या वैल्यू देना चाहिए इवन, तो पॉसिबल है, ठीक है बच्चों। छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, मीन्स अगर मैं कभी आप लोगों से ये पूछूं कि cos x इक्वल टू मोड x रूट्स कुछ नहीं, लेफ्ट हैंड साइड का अलग ग्राफ बनाओ और राइट हैंड साइड का अलग ग्राफ और देख लो कितनी बार मीट करेंगे, एक कंडीशंस ग्राफिकली मेथड, वरना तो दूसरा है भाई आप लोग को देखना पड़ेगा कि दोनों की वैल्यू सेम कहां पर होती है। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूंगा तो आप लोग को पता है cos x का ग्राफ ये होता है और mod x का ग्राफ ये होता है, तो कितनी बार इंटरसेक्ट किया 2 बार, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे 2, ठीक है बच्चों। आगे ये फंक्शन में ग्राफ आप लोगों ने अच्छे से पढ़े होंगे वहां पर आप लोग देख सकते हो,
ठीक है। अच्छा जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब भी तो यही होता है ग्राफिकली, अगर आप इसे देखोगे कि इसमें क्या होता है, इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग पॉलिनोमियल का, और इसके ग्राफ की अगर मैं बात करूंगा मतलब इसे लिखो y equals to 0 और एक ग्राफ y equals to ax square plus bx plus c, दोनों के लेफ्ट अलग राइट अलग, और दोनों के ग्राफ देखो कितनी बार एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जितनी बार दोनों के रूट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उतने ही नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे। अब आपको लेट करो कि इसका ग्राफ ये है और इसका ग्राफ क्या है बेटा y equals to 0 किसका x एक्सिस का, मींस x एक्सिस को ये जितनी बार कट करेगा उतने ही रियल रूट होंगे। ओके फिर बात हम लोग करते हैं नंबर ऑफ कॉमन रूट्स की, मींस अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी ax स्क्वायर और एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली ax स्क्वायर, ये 1 1 1 ये 2 2 2 ठीक है, लेट करो इफ बोथ रूट्स आर कॉमन, दोनों रूट कॉमन, तो आपको पता है कि a1 अगर मैं पॉलिनोमियल भी लेता तब भी कोई इश्यू नहीं होता, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 इक्वल होंगे तभी तो, मीन जो इक्वेशन है वही ये होगी, बस इनके जो कोफिशिएंट की रेशियो है वो हमेशा इक्वल होगी, ठीक है। बट इफ इफ वन रूट इज कॉमन, अगर एक रूट कॉमन है तो कंडीशन ये होगी, याद करने का मेथड ए बी माइनस ए बी, बी सी माइनस बी सी इक्वल्स टू सी ए माइनस सी ए, बच्चों ऐसा कर दो 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 और ये स्क्वायर, ठीक है, ये कंडीशंस आ जाती है इफ वन रूट इज कॉमन। अच्छा अगर जो रूट कॉमन है वो फाइंड करना है आपको, वो डायरेक्ट फाइंड हो सकता है, ठीक है। फॉर फाइंडिंग द कॉमन रूट्स, उसके लिए क्या करना है आपने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या कर लेना है, इक्वल बना लेना है, और दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। देन इक्वेशन नंबर 1 माइनस सेकंड, मतलब लाइक करो कि कोई इक्वेशन ऐसे होगी और ये इक्वेशन ऐसे होगी दूसरी इधर, दोनों को बस क्या करना है माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, जो भी यहां से एक्स की वैल्यू आएगी वही उसका वो वाला रूट होगा जो उसका कॉमन रूट है, ठीक है बच्चों। ये सिंपल सी कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आता, जेई मेंस में 80% क्वेश्चंस बेसिक्स आता है, ठीक है। बट थोड़ा बहुत पॉलिनोमियल के बारे में आप लोगों को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, क्यूबिक के बारे में, लीनियर के बारे में ये पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों, ये सिंपल सी कंडीशंस होती है, ठीक है। अच्छा इसमें एक बात बता देता हूँ, क्यूबिक आप लोग को सभी को सॉल्व करनी आती होगी होप सो, बट फिर भी एक छोटी सी बात बता देता हूँ क्वाड्रेटिक के बारे में, देख लेते हैं कि मैं अगर आप लोग को ये बोलूँ कि भाई एक्स मीन्स एक्स इक्वल्स टू अल्फा इसका एक रूट है तो ये क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा से कंप्लीटली डिविजिबल होगा बिकॉज एक्स माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों ने, कंप्लीट डिवाइड का मतलब है कि रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा, अगर आया तो जीरो कर देना, मैं समटाइम ऐसा हो जाएगा लैम्डा दे देगा एक रूट दे देगा, वैसे तो पुट करके भी निकाल सकते हो बट ये छोटी सी कंडीशंस। नेक्स्ट ट्रेसिंग की यहाँ पर समटाइम कंडीशंस बन जाती है कि रूट्स लाई कहाँ कहाँ पर करते हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन आता नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ, देखो 4-5 केस है, पहला केस ठीक है, इफ बोथ रूट्स लाई बिटवीन टू नंबर्स, किन्हीं दो नंबर K1 K2, देखो बच्चों K1 से बड़ा K2 है, अगर सोचोगे ना आप लोग कि रट्टा मार लेते हैं कुछ नहीं होगा, रट्टा नहीं लग पाएगा। अच्छा मैं इस रूट से पहले एक बार आप लोग को ग्राफ बता देता हूँ क्योंकि ग्राफ से ही समझाना पड़ेगा, देखो ये पॉलिनोमियल होता है ना बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। वर्टेक्स की बात करते हैं, आपको पता है पैराबोलिक होता है, जो इसका वर्टेक्स होता है बच्चों वो b/2 और -d/4 अब इस डी पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, देखो दो केसेस में बता देता हूँ, ए में जहाँ ए पॉजिटिव हो और एक में जहाँ पर ए नेगेटिव हो, ग्राफ्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल बोलती। पहली कंडीशंस अगर मैं कहूँ कि डी इक्वल्स टू जीरो है तो दोनों रूट्स रियल होंगे, कुछ मीन्स इस तरह की कंडीशंस बनेगी, है ना, दोनों रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। अगर मैं दूसरी कंडीशन में बोलूँ कि डी इज ग्रेटर देन जीरो तो आप कहोगे दोनों रूट्स रियल होंगे, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। अगर मैं तीसरी कंडीशन बोलूँ, इंपॉर्टेंट कंडीशन से यहाँ से एक रिजल्ट हमारे पास आएगा, तो आप कहोगे सर कोई भी रूट रियल नहीं है, मीन्स जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, कहीं ऊपर होगा। तो इससे मतलब हमने क्या देखा, इसका मतलब ये देखा कि सर इस कंडीशन में तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी होगी, मीन्स कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगी, कब बोलो जब डी क्या हो लेस देन जीरो, ये एक ही कंडीशन फिक्स है बच्चों ऊपर, ठीक है।
तो ये हमारे पास कंडीशन है। अच्छा, इसे इसकी सबसे लीस्ट वैल्यू भी बोल सकते हैं ना। तो अगर मैं आप एक कंडीशन और बोलो, लीस्ट वैल्यू किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है, कंडीशन याद रखना, इस कंडीशन पर काम कर रहे हैं। ये वाली वैल्यू क्या होती है आप लोग को पता है, दिस वन बी बाई टू टाइम्स ऑफ ए माइनस डी बाई फोर टाइम्स ऑफ ए। ये अच्छा, ये ना कंप्लीटिंग स्क्वायर से बनता है, चाहे आप लोगों ने पैराबोला पढ़ा है तो वर्टेक्स निकाल सकते हैं। तो ये कंडीशन है, तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी बच्चों आप लोग के पास, भाई वाई की वैल्यू माइनस डी बाई फोर टाइम्स ऑफ ए, और कब होगी, अगर एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस बी बाई टू टाइम्स ऑफ ए। अच्छा, अगर मैं ए लेस देन जीरो की बात करूंगा तो इसमें जो ग्राफ होंगे अपोजिट बनेंगे, मींस कुछ इस तरह बनेंगे, अगर मैं ये पहली कंडीशन से ले ली डी ग्रेटर देन जीरो की, ठीक है, दोनों रूट्स रियल क्योंकि ए नेगेटिव है डाउनवर्ड। अगर डी इक्वल्स टू जीरो होगा तो बच्चों क्या होगा, ग्राफ कुछ इस तरह एक जगह टच करके आएगा। और ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस, अगर डी लेस देन जीरो होगा तो रूट्स ऐसा होगा कहीं नीचे, मीन्स ये नीचे गया होगा, तो इसका मतलब यहाँ से भी, जैसे यहाँ से दो रिजल्ट निकाले थे ना हम लोगों ने, इसी तरह दो रिजल्ट हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्या क्या रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, ये लाइन ना दिख नहीं रही है बच्चों, मैं थोड़ा सा इसे शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये कंडीशन निकाली और दूसरा रिजल्ट हम लोगों ने लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लीस्ट वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहाँ से ये वाली इसकी अभी भी मैंने बताया था माइनस डी बाई फोर टाइम्स होगी, और कब होगी, व्हेन एक्स इज माइनस बी बाई टू टाइम्स ऑफ ए। यहाँ से क्या क्या रिजल्ट हमारे पास आए, दो रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव वैल्यू देगी इफ ए की कंडीशन है ही और ये रही डी, या मैं लिख देता हूँ चलो, जब ए भी लेस देन जीरो होगा डी भी लेस देन जीरो होगा, मैक्सिमम यहाँ पर तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, ये ऊपर वाली, यहाँ पर जैसे ये लीस्ट थी, ठीक है, यहाँ पर ये क्या होगी मैक्सिमम, तो ये आप लोग की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और ये कब होगी और क्या होगी, माइनस होगी डी बाई फोर टाइम्स ऑफ ए, और कब होगी, व्हेन एक्स क्या हो बच्चों, एक्स इज सेम कंडीशंस माइनस यही वाली कंडीशंस माइनस बी बाई टू टाइम्स ऑफ ए, इनके ग्राफ होते हैं, कोई दिक्कत कोई डाउट। नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट इसका ट्रेसिंग, ट्रेस ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आता है, ईजी क्वेश्चन आता है ट्रेसिंग में, या लोकेशन ऑफ रूट्स भी बोल सकते हैं हम लोग, लोकेशन ऑफ रूट्स। देखो रूट्स को बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेट करना इतना ईजी नहीं है, तो लोकेशंस देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ पहली कंडीशन, इफ बोथ रूट्स लाई बिटवीन के वन के टू, तो क्या कंडीशंस होगी, ठीक है। पहली बात तो ये कि दो रियल रूट होने चाहिए, ठीक है, मीन्स डी, अब कंडीशंस लिख रहा हूँ बच्चों यहाँ पर, एक कंडीशन ये है कि डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अगर दोनों रूट्स जो हैं वो के वन के टू के बिटवीन लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कंडीशंस क्या होगी, कुछ ऐसा रहा होगा ना कि ये के वन और ये के टू, तो आप कहोगे सर ये तो ऊपर अगर जाके देखोगे तो दोनों जगह क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव, मतलब दूसरी कंडीशन ये होगी कि एफ ऑफ के वन और एफ ऑफ के टू मस्ट बी पॉजिटिव। अच्छा, आप कहते हैं कि सर जरूरी है, अगर ए नेगेटिव होता तो डाउनवर्ड वाला भी तो केस होता, ये ए नेगेटिव वाला है और ये ए पॉजिटिव, ए पता है ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस कंडीशन में भी आप देखोगे तो आप कहोगे सर यहाँ तो नेगेटिव आ रहा है बट मैंने क्या लिया प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट तो पॉजिटिव ही हुआ ना, ठीक है। दूसरी कंडीशन, इफ रूट्स, ठीक है, अब मैंने कंडीशन लिया इफ एग्जैक्टली वन रूट्स लाई बिटवीन के वन के टू, दूसरे अभी तक दोनों रूट्स लाई कर रहे थे, अब आपके पास क्या कहोगे कि सर अब तो कुछ ऐसा रहा होगा ना, अगर K1 यहाँ पर होगा तो K2 यहाँ पर, या K1 यहाँ पर तो K2 यहाँ पर। अब देखो एक जगह नेगेटिव देगा भाई ऊपर, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू और यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है। और अगर आप ये कहो कि सर ये वाला ग्राफ होता, कोई नहीं इसमें भी चाहे इधर ले लो चाहे इधर, इधर ले लेते हैं हम, K1 लेट करो K2, तो एक जगह पॉजिटिव तो दूसरी जगह वैल्यू नेगेटिव, मीन्स कंडीशन खुद याद रखनी और बनानी भी है। पहली बात तो ये बेटा एग्जैक्टली वन रूट किन्हीं दो के बिटवीन कब लाई करेगा, जब दोनों रूट अलग अलग होंगे, मीन्स इस वाली कंडीशन में डी ग्रेटर देन जीरो होगा, इक्वल जीरो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों रूट सेम ही पॉइंट पे होंगे, फिर तो ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। और इसमें भी, और दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन है और दूसरी कंडीशन बताओ जरा इसमें क्या होगी बच्चों, दूसरी बहुत ही सिंपल सी कंडीशन होगी कि सर जो वैल्यू है के वन पर और के टू पर वो क्या होगी, लेस देन जीरो, बिकॉज एक जगह पॉजिटिव तो दूसरी जगह नेगेटिव, दैट्स इट, ठीक है। ये पहले दो कंडीशन है लोकेशन की, ध्यान से देख लो अगर कोई कंफ्यूजन है तो, डन, ठीक है। फिर इसकी थर्ड कंडीशंस देखते हैं लोकेशंस ऑफ रूट में, थर्ड कंडीशंस में अगर आप लोग बात करोगे बच्चों तो ये आएगा आप लोग के पास इफ, इफ अब यहाँ पर दो कंडीशंस है, ये दोनों को मैं अभी बाद में कराऊंगा, एक छोटा सा केस पहले लेता हूँ, इफ
नंबर कोई नंबर है के लाई बिटवीन रूट्स, थोड़ा डिफरेंट केस है, अगर कोई नंबर किन्हीं कोई नंबर किन्हीं दोनों रूट्स के बिटवीन लाई करता है, ऐसा रहा होगा या ऐसे रहा होगा, पता है ना ये a लेस देन 0 वाला केस है, a ग्रेटर देन। अब इसमें तो नेगेटिव हो गया, इसमें पॉजिटिव। अब भाई हम सोच रहे हैं कि मिक्स सी कंडीशन बना ले, एक कंडीशन बना ले, क्यों दोनों के लिए याद रखें, तो हम लोगों ने किया क्या, पहली बात तो ये कि अगर कोई एक नंबर किन्हीं दो रूट्स के बिटवीन आना चाहिए तो दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। दूसरी बात ये होगी कि आप लोग इसमें एक कंडीशंस लगा सकते हो कि सर k पर तो वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर अगर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है और a से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव नेगेटिव, मीन्स मैं ऐसा कह सकता हूँ ठीक है कि भाई ये आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है बच्चों डन। अब इसमें दो केस बता देता हूँ मैं और आप लोगों को, ठीक है, एक फोर्थ और एक फिफ्थ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इफ रूट्स ग्रेटर देन के, अगर कोई रूट्स ग्रेटर देन और यहाँ पर बता देता हूँ लेस देन के रहा होगा तो क्या होगा। अच्छा कोई रूट्स, ठीक है, अगर दोनों रूट्स के से बड़े हैं तो ऐसा कुछ रहा होगा ना, के पीछे रह गया होगा, ठीक है, जब ही तो दोनों रूट्स के से बड़े होंगे, के से आगे निकल गए होंगे। ठीक है, अच्छा इसमें ये वाला केस भी बता देता हूँ, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही रहा होगा। ठीक है बच्चों, आप लोग को पता है कि ए ग्रेटर देन जीरो ए लेस देन जीरो। अब ध्यान से देखो, रट्टा नहीं मारना बच्चों, समझो ये इधर और ये इधर नीचे, आपने देखा कि सर यहाँ पर वही सेम कंडीशन पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो एक कंडीशन तो ये हो गई कि दो रियल रूट्स होने चाहिए पहली बात। दूसरी बात ये होगी कि सर a इंटू एफ ऑफ k क्या होना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव इज नेगेटिव। अच्छा अगर इस वाली कंडीशन में बात करो, लेस देन है मतलब k आगे रहा होगा है ना, और इस वाली कंडीशन की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर भी k आगे रहा होगा। ठीक है, दोनों जगह वैल्यू देखोगे, इधर नेगेटिव, ठीक है, और इधर पॉजिटिव, a इधर क्या है बेटा पॉजिटिव और a इधर क्या है नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव पॉजिटिव ले लो और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब सेम कंडीशंस आ गई कि भैया पहली बात तो d ग्रेटर देन इक्वल्स टू b कंडीशंस आ जाएगी, a into f k इज मस्ट बी। तो फिर आप कहोगे सर डिफरेंस क्या है इसमें, बोथ आर सेम केस, तो हम एक और डिफरेंस है हमारे पास इसमें क्या, ध्यान से देखना जरा, ये वाला वर्टेक्स है ना, ये होता है माइनस b बाई टू टाइम्स ऑफ a और माइनस d बाई फोर टाइम्स ऑफ a, अभी अभी बताया, तो एक बात तो कन्फर्म है कि ये अगर है तो ये इसकी वैल्यू इससे छोटी होगी, मतलब एक नई कंडीशन हम लोगों ने जनरेट कर ली कि k मस्ट बी लेस देन माइनस टू बाई, ठीक है। और इसमें देखो जरा, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो वही माइनस बी बाई टू टाइम्स ऑफ a माइनस d बाई फोर टाइम्स ऑफ a, तो अब आप कहोगे सर k इससे बड़ा रहा होगा, ये x की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k ग्रेटर देन हो जाएगा माइनस b बाई टू टाइम्स ऑफ a। तो ये थी हमारी ट्रेसिंग ऑफ रूट, इंपॉर्टेंट कंडीशन थी ये ट्रेसिंग ऑफ रूट्स की, जिनका बच्चों हम लोग यूज करते रहते हैं। तो ये छोटी छोटी कंडीशंस हैं जो आप लोग को आनी चाहिए, अगर ये कंडीशंस नहीं आएंगी तो आप लोग को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो लोकेशन ऑफ रूट्स आप लोग को पता होना चाहिए, समटाइम डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये आ जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें कोई डाउट है तो बोल दीजिए, उससे अलग तो बहुत ही बेसिक सी कंडीशंस है, कोई खास ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट या एक्स्ट्रा फॉर्मूले आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस फॉर्मूले नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, प्लीज़ स्टडी करो, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, रिवीजन करो, और इसमें ना जितना मैंने पढ़ाया बस इतना रिवीजन कर लो और कुछ नहीं करना, जस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और कुछ और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर था जो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप लोगों ने अच्छे से स्टडी करना है, बढ़िया सा क्वेश्चन बनाना है, बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन आएगा। बार बार एक ही बात बोलूंगा, एक चीज़ ध्यान रखना, कई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो क्वाड्रेटिक की तरह होंगे जरूर बट थोड़े से दिखेंगे डिफरेंट। ठीक है, तो डरना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन आएगा। ओके, बाय बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, सीक्वेंस एंड सीरीज, जल्दी वो टॉपिक भी आप लोग को मिल जाएगा। प्लीज़ जितनी मेहनत हो सकते हैं उतनी मेहनत से पढ़ो, कॉन्सेप्ट मैं रिवाइज करा रहा हूँ, आप लोग अपना उन टॉपिक अभी उन सब्जेक्ट पर फोकस करो कंटिन्यूसली जो सबसे वीक थे, और ये फास्ट ट्रैक रिवीजन जिससे जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, और अगर सब कुछ समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करो, जो प्रॉब्लम है वो कमेंट में किया करो आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब, सबसे प्लीज़ चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, तभी ये दूसरे बच्चों तक भी इसका बेनिफिट पहुँचेगा। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।